गाइस, हाई इंटेंसिटी कार्डियो मैं ये कहूँगा कि उसको मत करो अगर आपका गोल फैट लॉस है। वो इसलिए कह रहा हूँ, एक तो कैलोरीज ऑलरेडी कम की होती हैं आप लोगों ने फैट लॉस में, और ऊपर से आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो लगाते हो। उससे क्या होता है कि उल्टा आपको एक्सरसाइज के बाद, हाई इंटेंसिटी कार्डियो के बाद ज़्यादा भूख लगती है। तो ज़्यादा भूख लगती है तो वो फैट लॉस गोल आपका और ज़्यादा फिर टफ लगता है। हफ्ता 10 दिन क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट में कर लोगे डाइट को कम, हाई इंटेंसिटी को, बट हफ्ते 10-15 दिनों के बाद ना तुम्हें इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें और ज़्यादा भूख लगेगी। तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो तब करो जब आपकी कैलोरीज अप हैं, जब कार्ब्स अप किए हुए हैं, जब गेनिंग मोड में हो अपने, तो हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो कार्ब्स को बर्न करने के लिए। फैट लॉस में सबसे जो है इजिएस्ट और इफेक्टिव वो है जस्ट नॉर्मल वॉक, किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई उसमें बंदिश नहीं है। वर्कआउट के पहले करनी है, बाद में, कभी भी कर सकते हो उसको वॉक को, राइट। और मॉडरेट होगा उसका आप पे लोड, आपको भूख भी कम लगेगी। अगर आपने कैलोरीज कम भी की होंगी ना, तो फास्टिंग में और वॉकिंग में जब इन चीज़ों को मिलाओगे आप, तो उससे क्या होगा कि भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। हाई इंटेंसिटी में जब भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो करोगे, कैलोरीज कम की होंगी, तो उसमें और ज़्यादा भूख बढ़ेगी, टफ हो जाएगा वो आपको फैट लॉस करना। क्योंकि कम कैलोरीज में क्या होगा कि जब ज़्यादा शरीर से आप काम ले लोगे, तो आपकी बॉडी को क्या है कि आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसमें वाटर होल्ड कर लेगी। और फिर आप कहोगे कि यार मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा, मैं तो हाई इंटेंसिटी भी कर रहा हूँ, मैं तो डाइट को कम भी किया हुआ है। तो डाइट जब कम हो, फैट लॉस जब गोल हो आपका, तो मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो करें। जब गेनिंग मोड हो, जब ओवर कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तब आप हाई इंटेंसिटी कर सकते हो, क्योंकि तब आपको इतना उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा हाई इंटेंसिटी कार्डियो का। तो इन दोनों चीज़ों में आप बैलेंस करें कि कब हाई इंटेंसिटी करनी है और कब लो इंटेंसिटी।